गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं राजन जना के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस बार जो रीट के एग्ज़ाम देने आए विद्यार्थी हैं इनसे हमारी बात हुई काफ़ी, तो उन्होंने ये बताया था कि हमारे इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार का पेपर हो लीक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इस बात से हमें काफ़ी डर है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम पेपर लीक होने के बाद रिपीट में अगर पेपर देने की हालात हो तो हमारी वो हालत नहीं रहती है, क्योंकि एक बार में हम करीबन 2 से 3 हज़ार रुपये हमारे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। तो आइए हम इनसे, महिलाओं से अपनी जुबानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या कहा, और इससे पहले हम शिखर की जो घटना हुई है इसके थोड़े वीडियो देख लेते हैं। आप बताइए, क्योंकि हमारे अंदर जो नौकरी करते हैं वो कितने बेबस हैं और कितने लाचार, क्योंकि नौकर हमेशा नौकर ही रहता है, चाहे कितना भी उसको बड़ी पोस्ट पे डाल देते हैं। क्योंकि राजनेता हमारे इतने पावरफुल हो जाते हैं कभी कभार कि उसका करियर क्या होता है पता नहीं, लेकिन वो जिस भी पार्टी में आता है उनके लिए वो करियर साफ हो जाता है, फिर आगे से उनकी कार्यकारिणी नहीं स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के साथ ही मैं ध्यान में रखते हुए मैंने ये शिखर का जो घटना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी दर्दनाक घटना है, लेकिन हम मांग करते हैं कि ऐसी घटना ना हो, किसी विद्यार्थी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। और आइए चलते हैं, आप भी देख लें इनकी दैट वेरी ये कहानी। मेरी तो मुझसे नहीं देखा गया, तो मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर सर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज खोलो सर, प्लीज सर हमारे कितने दिन की तैयारी है, इतना चली जाएगी प्लीज सर, तो वही लड़कियां नहीं है और प्लीज खोल दो, प्लीज खोल दो अंकल जी, हाथ करो अंकल जी, ये मत करो अंकल जी, हाथ जोड़ लो प्लीज, मैं कोई मतलब नहीं है, आपके बच्चे होते तो यहाँ पर प्लीज लेकिन अंदर नहीं ले सकते हो टाइम, आप ज्यादा नहीं 2-4 मिनट लेट हो गए, 2-4 मिनट से लेट, 2-4 मिनट सर इस गेट पे लेट हुए थे, उस गेट पे नहीं थे, पहले इस गेट पे ले लेते तो हम लेट नहीं होते सर। देखा आपने वो बच्ची कैसे बिलख रही है, मानो इसके ऊपर रसूका लग गई। जिसके ऊपर रसूका लगे ना, वो भी आज तक के इतिहास में इतना नहीं रोया है वो जिसने जितनी ये बच्ची रो रही है। क्या होगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा, अगर काल नहीं इसका जिम्मेदार कौन होगा। और जी हाँ, अभी तक का इतिहास की यहाँ अगर हम बात करें तो ऐसा पुतला किसी का नहीं जलाया गया है। और जैसे कि हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री की जो अर्थी निकाली गई है काफ़ी निंदनीय है, और मैं सभी स्टूडेंटों से निवेदन करता हूँ कि इन्होंने अपनी बेशर्मी की हदें पार कर दी है, लेकिन एक पद के नाते जो शिक्षा का एक पद है उनको आप इस तरह से सबके सामने बदनाम मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आपका भाई, थैंक यू। और अब हम जो हमारे पास ठहरी हुई थी रीट के एग्ज़ाम देने आई महिला, उनसे हमारी कंटिन्यू बात होगी और वो आपकी बात। आज रीट का एग्ज़ाम देने आए हैं और मॉर्निंग में इनका एग्ज़ाम है, तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ जो सुविधा है इनको कैसी लगी, और अगर कुछ इनको अच्छा नहीं लगा तो इसके बारे में भी ये बता सकते हैं।
हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमेट ने हमारी अच्छे से व्यवस्था कर रखी है। मैं दिल्ली से आई हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। आप ऐसे वैसे मैं बहुत परेशान थी सुबह, लेकिन जब मैंने एडवोकेट ये हैं रविदास जी, इनसे मेरी कॉन्टैक्ट हुआ तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप आओ। मैं आई कि जैसे लड़कियाँ नहीं थी यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे अपने घर पर, मुझे बहुत अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखा, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। घर की तरह लग रहा है कि हम घर पे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है लड़कियों को, नहीं कहीं जगह जाते हैं तो दिक्कत होती है, ये कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ऐसे लग रहा है कि घर पे ही हम। हाँ ऐसे लग रहा है कि हम फैमिली मेंबर है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग है वगैरह। अच्छी सुविधा है यहाँ पे, लड़कियों की सेफ्टी भी है, और लड़कियों को ऐसी दिक्कत नहीं, कहीं लड़के जाता है तो लड़के को कोई दिक्कत हो, सेफ्टी अच्छी, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं खाना, खाना भी बहुत अच्छा, अच्छा है, टेस्टी भी है, टेस्टी भी है, अच्छा भी है, साफ सफाई भी अच्छी थी। क्या कहना है मेरे को, तो बस ये था कि घर वालों को थोड़ा सपोर्ट नहीं था, डर था थोड़ा सा अंदर कि हाँ अकेली आई थी, मतलब लोगों की सोच थी एक कि अकेली जाएगी कैसे करेगी क्या करेगी। लेकिन बस मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि बीकानेर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने एक बेटी की तरह मुझे समझा और रखा। आंटी जो है, जो उनकी वाइफ है सर की, उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह ट्रीट किया, तो उनको मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि एक डर ख़त्म हो गया था मेरे अंदर। क्योंकि शुरू शुरू में जब आई थी तो मुझे ये था मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ, तो जैसे ही मुझे ग्रुप बना हुआ था बौद्ध ही पद करके, तो वहाँ से मेरे को कॉन्टेक्ट मैंने निकाले, तो मैंने सर से बात की, सर ने कहा कोई बात नहीं बेटा आप आओ, अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत लगती है तो हम आपको अपने घर पर रखते हैं। पहले कोई प्लानिंग नहीं थी, ये था नहीं, प्लानिंग तो ये थी कि जो प्राइवेट, हाँ कोई प्राइवेट होटल होगा तो उसमें मैं, हाँ और जो एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो वो नहीं मिला मेरे को होटल आसपास, मतलब काफ़ी बुकिंग करी थी नहीं हो पा रही थी। किसी भी प्रकार का पेपर हो, लीक होने का ज़्यादा चांस रहता है हमारे इंडिया के अंदर, तो अगर आपका कोई मशवरा हो तो। मुझे तो इसका खैर कोई एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर है तो पता नहीं इसका। नहीं जैसे कि अभी ये पीछे पेपर हुआ, ऐसा ही क्या लीक होने के चांस बता रहे हैं, और अपने पैसे भी जेब से लग गए हैं, होना परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, मतलब ये होना ही तो नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। 17 लाख स्टूडेंटों ने पेपर दिया है। हाँ जी, अप्लाई कर रखा है 13, 14, 15 को। 17 लाख में से कहते हैं पेपर लीक हो गया, मानो को आप बहुत पढ़े हो और पेपर लीक हो गया, मेहनत हो गया, तो फिर ऐसा के बेटा राजा बन रहा है इसमें तो। हाँ लेकिन वो फिर से री एग्ज़ाम होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो। री एग्ज़ाम होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो तो फिर रह ही जाएंगे ना। नहीं आपको सरकार को ऐसा कोई मशवरा देना चाहोगे भाई ऐसा क्यों होता है? हाँ वैसे क्यों होता है, होना नहीं चाहिए तो ये क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो रह जाते हैं फिर, क्योंकि पेपर पहली बात तो वो लोग वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, और जो वैकेंसी निकाल रहे हैं फिर कॉम्पिटिशन इतना है, अगर उसमें भी अगर लीक पेपर हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। तो मैं तो यही कहूँगी कि पेपर लीक ना हो, अगर लीक तो होता है तो वो बेरोजगार बैठे हैं, अभी थोड़ी बहुत वैकेंसी निकाली तो उसमें पेपर रद्द हो रहे हैं, कभी कैंसिल हो रहे हैं, कभी तो क्या हो रहा है, तो क्या फ़ायदा, बेरोजगारी बढ़ रही है और कोई वो नहीं। अगर पेपर लीक हो तो आपकी क्या राय है, मैं आपको जानना चाहता हूँ, पेपर लीक होने के बाद आपके जो जेब से पैसे लगे हैं वो आपको बता मिलना, वो रिफंड मिलना चाहिए, वो रिफंड मिलना चाहिए, अगर कोई भी पेपर लीक होता है कैंसिल होता है अगर नहीं भी हो रहा तो उसका रिफंड मिलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सरकार वैसे क्योंकि भी वैसे परेशानी तो चलो कोई ना, लेकिन थोड़े बहुत पैसे वो तो रिफंड मिले, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हमें घर वाले देते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उसका वसूली तो होना चाहिए ना। पेपर लीक हुआ हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा नहीं है, आपत्ति तो बहुत है, लीक होया है ऐसी कोई बात नहीं है, आपत्ति तो मेहनत होती है उसके। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि हम पहले से व्यवस्था अच्छी रखे ना कि पेपर लीक होने की नौबत ही ना आए, पहले से व्यवस्था उनको अच्छी सी कर रखनी चाहिए, पहले से वैसे सरकार अगर हो भी जाता है लीक तो उसका रिफंड मिलना चाहिए। रिफंड से भी क्या फायदा मिलता है, मैंने तो वेस्ट ही जाती है। नहीं अभी एक्चुअली क्या होता है कि दोनों चीज चली गई। हाँ फिर तो निराशा ही मिलती है, और क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता, चारों साइड निराशा है, क्योंकि पैसे हमारे पास थे वो कुछ वो भी नहीं मिले, वो चले गए, खर्च हो गए, टाइम वेस्ट हो गया, आने जाने में दिक्कत है, जितने दिन से हम तैयारी करे वो टाइम चला गया, घर वालों की कुछ हेल्प नहीं कर पाई तैयारी के चक्कर में कि हम तैयारी करें 6-7 महीने से कुछ बनेंगे, फिर क्या हुआ वो लीक होने से वो वैसे के वैसे रह गया। तो हमने इनकी राय जानी है, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई है, और मैं आशा करता हूँ कि
जो भी पेपर होते हैं लीक ना हो और कुछ भी हो, हाँ। ये अपनी मेहनत जी जान लगा के मेहनत करते हैं और इनके घर वाले मुझे पता नहीं है कैसे पढ़ाते हैं। इसकी इंडियन एजुकेशन की बात करते हैं तो और हाई हो गई है, बहुत हाई हो गई क्योंकि अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। और जैसे मैं दिल्ली से, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे को मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि मैं जॉब करती हूँ सिविल डिफेंस में, सुबह ड्यूटी से आना फिर शाम को पढ़ना, अगर वहाँ नहीं तो किसी और जगह काम करना। तो मतलब इस बीच में जो हम पढ़ाई को टाइम देते हैं, अगर इसके बाद भी अगर पेपर लीक होता है तो उसके बहुत प्रॉब्लम, बहुत दुख होता है कि ये क्यों हुआ। जैसे एक मेरे परिवार, मेरे पापा को मुझसे उम्मीद है कि मेरी बेटी जाएगी, मतलब बनेगी कुछ, क्योंकि उनको पता है कि मैं हर एक लाइन में जाना चाहती हूँ। जैसे सिविल डिफेंस में है तो मैंने पहले उसको ज्वाइन किया, जॉब भी करती हूँ पढ़ाई भी करती हूँ, तो मेहनत वेस्ट ही नहीं होनी चाहिए, बस ये है। लड़के को पास में सेंटर देना चाहिए। हाँ, ये मुझे ये बहुत अच्छा था कि जैसे मेरा जयपुर ये रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ लड़कियों के जो सेंटर है वो पास के पास में डालें। जैसे जयपुर हो गया, वो थोड़ा पास था मेरा, ये तीसरे नंबर वाला सेंटर डाला, तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। मेरी फ्रेंड, हाँ जी, ये मेरे साथ गलत हुआ है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा दो घंटे का रास्ता बहुत होता है। हाँ, यानी कि 50 किलोमीटर के आसपास बहुत होता है, लेकिन इतनी दूर चार अपने जिले में भी दे सकते हैं 50 किलोमीटर तो अगर हाँ जिले में भी हाँ जिले में है ना, मतलब लेकिन लड़कियों का दूर ही है अधिकतर, कभी तीसरे वाले ऑप्शन का पास बड़ा है, चौथा पहले दूसरे वाला ऑप्शन बताए। यहाँ पे वैसे रहने खाने की व्यवस्था अच्छी है, और मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से आई हूँ और यहाँ पे आके अच्छा खाना और अच्छी सुविधाएं मिली है जो लड़की के लिए कंफर्टेबल है। मैं झुंझुनू से आई हूँ और यहाँ पर सारी व्यवस्था अच्छी है, हम यहाँ पे आप इस ये जो आपकी व्यवस्था है उसके बारे में, हमें ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए थे उन्होंने आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमें शेयर किया था, तो वहीं से फिर हमने यहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों को कॉल किया। लिटरली लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ खाने पीने का अरेंजमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है, रहने सहने का अरेंजमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है, वी आर टोटली सेटिस्फाइड एंड वी विश दैट यू गाइज़ लिटरली डू वेयर एवरीथिंग इंडियन।